गाइज आज की इस वाली वीडियो में कुछ इस प्रकार का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले हैं जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायरल चल रहा है। आप सभी डालेंगे तो वायरल हो जाएगा। तो गाइज आप सभी को आसान तरीके से और सबसे अलग बताने वाले हैं। गाइज ऐसी एडिटिंग अभी यूट्यूब पर किसी ने नहीं अपलोड की है, सबसे हटकर है गाइज, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। सो गाइज अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में आ जाइएगा आप सब और गूगल सर्च पर चले जाइएगा और यहाँ सर्च वाले आइकन पर आने के बाद यहाँ से सर्च कर लीजिएगा उर्बान जंगल फॉन्ट। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट में, इसको सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद गाइज पहले वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आप सब डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा यहाँ कोने में, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद गाइज अपने फाइल मैनेजर में आइएगा और जौन फॉन्ट को डाउनलोड किया होंगे आप सब उस फॉन्ट का यहाँ पर जिप फाइल आ जाएगा, तो जिप फाइल्स पर क्लिक करिएगा और एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा अपने इंटरनल स्टोरेज में और डाउनलोड में कर लीजिएगा गाइज, यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा तो यहाँ से जिप फाइल आप सभी का अनलॉक हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसका ट्रिक अपने पिक्सआर्ट में हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए आप सब। अब प्लस का आइकन पर जाइए गाइज और एडिट एस फोटोज पर जाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए गाइज, मैं एक बैकग्राउंड का लिंक दूंगा जो माउंट एवरेस्ट और गर्ल्स वाला होगा, बॉयज गर्ल्स का दोनों है, जिसका आप सब चाहेंगे उसका एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं गर्ल्स वाला ही ले लेता हूँ फिलहाल, तो गर्ल्स वाला आ जाएगा गाइज। अब इसके बाद आप सभी को करना का है यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर चले जाइए सिंपल तरीके से। टेक्स्ट वाले आइकन पर जाने के बाद अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ से डन कर दीजिएगा। देन डन करने के बाद गाइज हार्ट वाला आइकन देना ही भूल गए, तो फिर से डबल टैप कर लेंगे इस पर और यहाँ से हार्ट का ऑप्शन दे देंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल कर देंगे ऐसे तो मिक्स हो जाएगा यहाँ पर। देन इसके बाद गाइज यहाँ से फॉन्ट वाले आइकन पर चले जाएंगे आप सब और यहाँ से माई फॉन्ट पर आ जाइएगा आप सब गाइज, यहाँ पर दिख रहा होगा माई फॉन्ट। यहाँ पर आने के बाद गाइज जिस फॉन्ट को आप सब डाउनलोड किए होंगे ना उसको यहाँ से एड फॉन्ट्स पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा। देन फिर से एड फॉन्ट्स पर क्लिक कर लीजिएगा आप सब और जिप फाइल जो हम लोग का अनलॉकेड होगा ना तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लिए हैं, आप सब रिसेंट या डाउनलोड वाले आइकन पर चले जाएंगे तो फाइल मैनेजर आ जाएगा और उर्बान जंगल का ऑप्शन यहाँ पर आप सबके फाइल में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से रियल मी जो रेडमी टिक्स लिख रहा है यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में आप सभी को डेमो की तरह से आ जाएगा यहाँ पर और इसको क्लिक कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं वन क्लिक में उर्बान जंगल फॉन्ट वाला ऐड हो चुका है, तो आप सब अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और हट का ऑप्शन आप लोग अगर दिए होंगे तो इरेजर वाले आइकन पर जाना जरूरी है आप सभी को, क्योंकि रियलास्टिक हम लोगों को बनाना है, ऐसे अच्छे में रियलास्टिक दिखने में नहीं लग रहा है। तो इरेजर वाले आइकन पर जाइएगा आप सब और इरेजर पर क्लिक करके हेडनेस को लगभग 35 रख लीजिएगा और इसके बाद साइज को आप सबको लगभग अपने हिसाब से रख लीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा रियलास्टिक इसको बना देना है कि ताकि देखने में उर्बान जंगल फंड जैसा लगे। तो देखने में कुछ लग रहा है गाइज, इसके बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा आप सब। देन फिर से डन कर दीजिएगा और आप सभी को चल जाना है स्टिकर वाले आइकन पर गाइज यहाँ पर और यहाँ से सर्च वाले आइकन पर आ जाइएगा आप सब और यहाँ से सनलाइट ऑप्शन सर्च कर लीजिएगा और ब्लैक वाला सनलाइट आप लोग को सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके ब्लेंडिंग मोड आप सभी को स्क्रीन कर देना है और ऊपर की साइड में यहाँ पर लगा देना है गाइज, यहाँ पर लगाने के बाद डन कर देना है। इसके बाद आप सभी को अगर फोटो का इनहेंज करना है रिमिनी जैसा करना है आप सभी को तो यहाँ टूल्स वाले आइकन पर आ जाइएगा गाइज, फोटो आप सभी को HD में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से इनहेंज वाला कर दीजिएगा ऑप्शन, थोड़ा सा लोडिंग लेगा गाइज और आपका फोटो क्लियर हो जाएगा। तब तक इनहेंज हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो गाइज यहाँ पर इनहेंस कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप सब बिफोर एंड आफ्टर फोटो कुछ एचडी में क्वालिटी में आ गया है। तो यहाँ से डन कर लीजिएगा और फोटो को यहाँ से सेव कर लीजिएगा। गाइज सेव होने के बाद अब आप सभी को वीडियो एडिटिंग करना है इसका, तो हम लोग चलेंगे वहाँ पर कैपकट ऑप्शन में। तो चलिए चलते हैं कैपकट ऑप्शन में। गाइज आप सभी को कैपकट ओपन करने से पहले एक वीपीएन को कनेक्ट करा लेना होगा, और वीपीएन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट करा लेते हैं, थोड़ा सा समय लेगा। हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया है, अगर आपका भी वीपीएन कनेक्ट होगा तो यहाँ पर एरो का ऑप्शन दिखाएगा सही का। तो यहाँ से बैक आएंगे हम लोग और अपने कैपकट में चलेंगे। कैपकट में आने के बाद गए जिस फोटो को हम लोग एडिट किए थे न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर यहाँ से फोटोस वाले आइकन पर आ जाइएगा और फोटोस को ऐड कर लीजिएगा। देन ऐड हो गया है गाइस, जिसके बाद आप सब अपना फोटोस का साइज जितने सेकंड का रखना चाहेंगे उतने सेकंड का रख लीजिएगा। देन रखने के बाद गाइस आप सभी को फिर से आना है म्यूजिक वाले ऑप्शन में। म्यूजिक आप सब लगा लीजिएगा ट्रेंडिंग रील्स को डाउनलोड करके, तो आइडियोस पर आ जाइएगा और एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और हम लोग यहाँ से साउंड को ऐड कर लेते हैं। देन साउंड यहाँ पर ऐड हो चुका है गाइज। और गाइज आप सभी को एक बर्ड्स का पीएनजी ऐड करना है, तो जाइएगा आप सब ओवरले वाले आइकन पर और यहाँ से ऐड ओवरले कर दीजिएगा, और बर्ड्स का पीएनजी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लीजिएगा। तो इस बर्ड्स वाले पीएनजी को अपने नेम के ऊपर लगा लेंगे गाइज छोटा करके कुछ इस हिसाब से, और इसका साइज लेयर वाला बड़ा कर लेंगे अपने फोटो के हिसाब से। गाइज यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया है। अब म्यूजिक के हिसाब से अपने बेस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आप सभी को सबसे पहले जाना होगा इफेक्ट वाले आइकन पर और यहाँ से वीडियो वाले इफेक्ट पर चले जाइएगा। आप सब नेट के कारण थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो गाइज आप सभी को ट्रेंडिंग्स में आ जाइएगा, और ट्रेंडिंग्स आने के बाद यहाँ से आप सभी को डेमो जूम वाला ऑप्शन पर ले जाइएगा डायमंड जूम। और गाइज इसके बाद यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, और गाइज आप सभी को स्क्रॉल करके आना है साउंड पर, और साउंड का आइकन पर यहाँ से देख सकते हैं जो बेस दिख रहा है ऊंचा ऊंचा, यहाँ पर इसके हिसाब से आकर और अपने फोटोज पर आ जाइएगा और यहाँ से क्लिप कर दीजिएगा बेस के हिसाब से, अपने देखकर अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्लिप। क्लिप करने के बाद गाइज फोटोज को दोनों फिंगर की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेना है लेयर्स को, और लेयर्स वाले आइकन पर क्लिक करिएगा गाइज, और इन एनिमेशन में चले जाइएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और इन वाले आइकन पर चले जाइएगा गाइज, और इसको स्क्रॉल करके डाउन एकदम अंतिम साइड में आ जाइएगा, और यहाँ से सबसे पहले स्विक टू पर ले लीजिएगा राइट वाले आइकन पर, पहला हो गया। इसके बाद दूसरे वाले पर क्लिक करिएगा आप सब, फिर एनिमेशन में जाइएगा इन वाले पर, और यहाँ से सेकवन को क्लिक लीजिएगा, और इसके बाद तीसरे वाले आइकन पर आ जाइएगा गाइज आप सब, एनिमेशन में जाइएगा इन वाले में, और यहाँ से आप सबको लास्ट में आइएगा और स्विफ्ट टू राइट वाले पर फिर से क्लिक कर दीजिएगा गाइज। तो इतना कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद आप सभी को फिर से यहाँ से आपको इफेक्ट वाले आइकन पर जाना है, और इस बार वीडियो इफेक्ट में जाइएगा फिर से आप सब, और फोटोज़ को यहाँ पर ये जो सोख दिख रहा है सोख वाला इफेक्ट यहाँ पर इसको क्लिक कर लीजिएगा और फिर से डन कर दीजिएगा, फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करिएगा आप सब गाइज, और इस बार इस वाले ब्लैक फ्लैश जो दिख रहा है यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को क्लिक कर लीजिएगा। तो वीडियो के हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।